आपके जीवन में आना मतलब आपकी समस्याओं खत्म नहीं होना है, परेशानियां तनाव उससे लड़ने के आपको अलग अलग वेपन्स मिलना है। वही व्यक्ति आज कृष्ण अर्जुन के परेशानियों में, अर्जुन का सखा था लेकिन वो गुरु बना। यस एवरीबॉडी नो इट। बस प्रथम अध्याय में अर्जुन विषाद योग में उसने अपने को गुरु माना, सब कुछ समर्पित किया, अब तू बता मैं क्या करूं, कृष्ण भगवान को कहा। फिर कृष्ण भगवान ने, अब हमारा क्या है, हम सब कुछ समर्पित नहीं करते, वी कीप अवर इंटेलेक्ट। जीवन में ध्यान रखिएगा, कोई व्यक्ति का मूर्ति हो या कोई व्यक्ति हो, इससे बड़ा उदाहरण मैं नहीं दे पाऊंगा आपको कि द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उस एकलव्य ने धनुर्विद्या सीख ली। ये बात अलग है, चोरी चोरी देखता था लेकिन एक माना, उसने गुरु माना, उससे एक इनलाइटन कर लिया। कभी अपने आप का योर बेस्ट गुरु, बेस्ट मेंटर योर सेल्फ वाइज, स्वयं की आत्मा की आवाज। गुरु से आप मांगने का काम नहीं है आपको, गुरु आपसे ज्यादा अच्छी तरह से जानता है कि आपको क्या चीज आवश्यक है और क्या चीज नुकसानदायक है। अगर वो नहीं जानता तो गुरु कहलाने लायक नहीं। अगर अपनी इच्छाएं मुझे प्रदर्शित करें, मतलब अगर मैंने कहा तो आंखें बंद करके मेरा काम ये है कि मैं आप सब लोग जो भी जो सेशन में आए नहीं, ऐसा लग रहे जितनों ने कोर्स किया, मेरा काम है उनके लिए प्रे करना, ठीक है। अब अलग अलग लोग, अलग अलग हजारों लोग, मैं तो सभी लोगों को करता हूँ जिनने 2 घंटे का डोनेशन दिया टाइम का, मुझे मैं अलग सबके लिए प्रेयर करता हूँ। ये जो सेशन में 1 घंटे का ध्यान होता है मैं उनको ही समर्पित करता हूँ, तेरा तुझको अर्पण, उन लोगों ने उनमें करता हूँ, मेरा इन्वॉल्वमेंट उसमें रखता ही नहीं। काम होते हैं, एक हमें क्या चाहिए, सबसे बड़ा एक जो चीज है ना हमारा, एक हमें संतोष चाहिए। हमारे कोई ईयरली इंस्टॉलमेंट को कोई क्वार्टरली कर दे, जैसे कोर्ट की डेट लगती ना, अगले महीने हो जाएगा, अगले महीने इलाज नहीं, फिर बोले लिस्ट। हम ये बिलीव करते हैं डेट्स पर कि कोई ज्योतिष मिल जाए, उसको पंडित मिल जाए, वो बता दे अरे भाई आप जुलाई 2021 के बाद देखिएगा बहुत अच्छा समय है। वो हम इस इंतजार में जुलाई निकाल देते हैं, जुलाई पे आते हैं कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत अच्छा हो जाता है, फिर आता है अरे अरे आपको तो शनि वक्री हो गया, फिर आप अक्टूबर तक देखो तो इंस्टॉलमेंट में सब टाइम काटता है। आज की तारीख में जो गुरु भी है ना, ही इज ऑल्सो सफरिंग विद द 5 एलिमेंट बॉडी प्रॉब्लम्स। मैं आपसे कुछ अलग हटके बात कर रहा हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहा हूं कि गुरु जी आप नहीं, मैंने आपको पहले कहा मैं जब भी प्रार्थना करता हूं प्रेयर करूंगा, आज का सेशन कब का भी सेशन मैं आपको समर्पित करता हूं, आई नेवर कीप इन्वॉल्वमेंट माई सेल्फ। सो इसमें जो चीज नहीं निकल गई, हमारी इच्छाएं, हमारी इच्छाएं तो अनंत हैं सर। आज मुझे कोई कह दे जो इच्छाएं आप लोग लेके बैठे हो, मैं आपको वादा करता हूं मैं 10 दिन में पूरी कर देता हूं, लेकिन आप मुझे ये वादा करो कि इसके बाद कोई इच्छा नहीं उठेगी। नहीं, अनंत काल तक इच्छा तो अनंत है। अगर मैं ये सिखा रहा हूं वर्तमान में रहो, प्रेजेंट में रहो, जो भी है उसको एक्सेप्ट करके चलो, तो 2-3 चीजें तो आपकी इच्छा मार ही देंगी। इच्छा है अपने शरीर को आरोग्यता रखना, खूब रखो। इच्छाएं अपने शरीर की जो सोल है, तो मेरा बच्चा अच्छा बढ़ जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरा ये हो जाए, ये इन्वॉल्वमेंट, जस्ट प्रे। उसमें आपका प्रयास शुरू करो, एफोर्ट। आज आपके बेटी की शादी नहीं हो रही, बेटे की शादी नहीं हो रही है, बच्चा जन्म ले रहा, तो गुरु लड़का लड़की देखने नहीं जाएगा, वह आपको ही देखना है। चॉइस इज योर, ब्लेसिंग इज माइन। वो गुरु आपको आशीर्वाद देगा और वो गुरु के आशीर्वाद में भी थोड़ी बहुत तकलीफ कम हो जाती है। अगर बेटे की जीवन में, बेटी की जीवन में तकलीफ लिखी है तो वो तो उनको भोगना ही पड़ेगी, ये बात तो मान के चलो। ये मैं इस बात पे कतई विश्वास नहीं रखता जो लोग कहते हैं कि पूजा से ही हो जाएगा,
प्रतिशत कम हो जाता है। और एक गुरु एक घुमा दे हाथ तो आपके ग्रहों की स्थिति बदल सकता है, ग्रहों की स्थिति बदल सकता हो, बदल सकते हो आप सिर्फ आप। तो अपनी छोटी मोटी इच्छाओं से मत जुड़ो, उस गुरु के लिए आपको क्या करना है। गुरु जैसे आप बात चली गुरु दक्षिणा क्या, व्हाट यू कैन सरेंडर, डोंट कंपेयर दैट दक्षिणा वर्ड विद द मॉनेटरी मनी वैल्यू, नहीं आप क्या सरेंडर कर सकते। मैं आपसे बोलूंगा पैसे दो तो आप फटाफट भेज दोगे, मैं कुछ चीज आपकी नहीं बोलूंगा भैया आपसे गुस्सा नहीं करेगी, आपसे कोई इच्छा जागृत नहीं करेगी, नहीं दे पाओगे। अरे गुरु जी मैं तो करती कहूं, मेरी कोई इच्छा ही नहीं, मैं तो मेरे बच्चे के लिए मांगती हूँ, मेरी बेटी के लिए मांगता हूँ, मेरे उसका हो जाए, मेरा तो कोई इच्छा ही नहीं। यह भी बोलेंगे साथ में, मैं मेरे लिए आज तक आपसे क्या मांगा, माँ मेरी तू अच्छी स्वस्थ है, भागे तेरी तबियत खराब है तो हील करते ही, बोले मैं तो मेरे बच्चे के लिए मांग रही मेरी बेटी, नहीं डोंट बिकम अ बेगर ऑल्सो, नॉट एट ऑल। उनकी पीड़ा उनको सहने दो, लेकिन हाँ साथ में नहीं है, आशीर्वाद हमारा देगा, प्रयास हमारा रहेगा, एफर्ट्स हमारा रहेगा, पूरा रहेगा। मेरा बच्चा पढ़ाई में नहीं है तो उसको बार बार मैं पढ़ाई करने की कोशिश करूंगी, लेकिन एक्सपेक्ट ये नहीं रखूंगी कि मैं पढ़ाऊंगा कि रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, है नहीं, वह तो उसकी कार्मिक यात्रा है, उसको उसके हिसाब से चलना पड़ेगी। वह तो भाग्य है उसका, ही गॉट ए गुड लक कि वो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा उसका, तो आप जैसा सपोर्ट मिला उसको, आप जिसे अपना दुर्भाग्य समझ रहे हो वो उसका भाग्य है, गॉट इट। थोड़ा मैं कठिन लैंग्वेज यूज कर रहा हूं आज, व्हाट एवर यू आर फीलिंग दैट इज अनलकी बट हियर इज लक, एंड डोंट कीप लिमिटेड आपके किसी योग्यता है, आपके बेटे की हो, बेटी की हो, पति की हो, या आपके परिवार की, उनकी योग्यता आपके मापदंड पे मत मापो आप। हो सकता है जिस ग्लास में आप देख रहे हो वो किसी और ग्लास में ऊपर वाला देख रहा है। हमने तो बांध दिया कि 25,000 की नौकरी कर ले नहीं हो जाएगा बढ़िया, अरे क्यों सोचते हो, थिंक बिग, हे भगवान तू इतनी तरक्की कर, तू मेरे से 1,000 गुना आगे बढ़। नरेंद्र मोदी की माँ जो थी घर में सुला के, कहीं कल्पना करा था नरेंद्र मोदी कि बन के एक देश का प्रधानमंत्री बन जाए, अब्दुल कलाम आजाद एक पंचर वाले, कभी सोचा था, उस लेवल की सोच रखी थी कि उन्होंने बने ना वो, तो हम उनको तैयार करो ना। आज इस पर पूरा नरेंद्र मोदी जी का योगदान है, वो बात अलग है, वो कृतज्ञता अपनी माँ को दे देते हैं, क्योंकि वो भाई आप हमारे संस्कार ही ऐसे है कि हमारी मेहनत को हमें समर्पित करना है। अब कोई भी करोगे कितना भी अच्छा करेगा, अरे सब गुरु जी आपकी ब्लेसिंग से हो गया ना, अरे गुरु जी आपके गुस्से हो गए। अवर इस नेचर अवर सरेंडर विद सम ऑब्जेक्ट, आइदर गुरु हो या ईश्वर हो या डीटी हो, कुछ भी हो, बच्चे लोग की मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसी बात है, वो क्या करेंगे बेचारा खुद दुखी। हमारे ग्रेटिट्यूड पे करना, दैट इज द मेन की विच वी लर्न फ्रॉम द ब्यूटी ऑफ आवर इंडियन कल्चर। ये चीज आपको बाहर नहीं मिलेगी ना, तो हम उस जिस परिस्थिति में रहना है, अगर हमने एक्सेप्टेंस रख लिया, अगर हम प्रेजेंट में रहने लगे, तो दो चीज ऐसी है कभी इच्छा ही नहीं उठेगी आपकी। हाँ इच्छा नहीं उठना ऐसा भी नहीं कि आप जो है उसको संतुष्ट आगे बढ़ने के लिए लग रहो, आपकी मेहनत का आशीर्वाद करो, तो गुरु जी मेरे को आशीर्वाद दो इतनी मेहनत करो कि वहां तक पहुंच जाओ, गुरु जी आशीर्वाद दो कि मेरा बच्चा इतनी मेहनत करे कि वो दूर पहुंच जाए, दे नेटवर्क। आप ये सोचो गुरु जी मेरे बच्चे को पास करा देना, मैं नहीं जानती आप क्यों छोड़ दिया, अरे बच्ची जी गुरु जी मेरे, मैं आई एम सरप्राइज समटाइम द हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल्स, मेरा ग्रुप है एक दो, मेरा बच्चा मेरी बेटी पेपर देने जा रही है ड्राइंग की, सेंड हीलिंग, तो सब खाता दुखा कैसा भेजता है जैसे दुर्गा माँ सरस्वती माँ बड़े जने कितने बड़े बड़े भगवान आ गए। देन नॉट, फिर एक बार मैंने लिखा वहां पर कि प्लीज 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 ये क्या लगा रखा आपने, घर का डॉगी बीमार पड़ गया उसके लिए हीलिंग भेज रहे हो, आपने भी देखा होगा, सेंड हीलिंग फॉर माय पेट, ओ माय गॉड आई एम अनेबल टू सेंड हीलिंग, तो वो सब जो ग्रुप के मेंबर है वो हाथ उठा उठा कैसे भेजता है, कैसे बहुत बड़ा आशीर्वाद दे, मेरा बेटा परीक्षा देने जा रहा अच्छा पेपर दे आशीर्वाद दे। भैया जो परीक्षा हर चीज को उससे जोड़ते हो, जो आप परीक्षा में पढ़ाई करेंगे वो परीक्षा जल पाएगा, सिंपल बात। तो लाइफ में एक बात ध्यान रखना, आज मैं अपने हिसाब से बात गुरु एलिमेंट के रूप में बात कर रहा हूं, कभी इवन गुरु से भी एक्सपेक्टेशन मत रखना, फेथ रखना।
गुरु के पास थोड़ा काम हो जाए। डोंट बाउंड गुरुस वन वर्ड, वो मैं आपको अगर जिद रख रहा, मेरे को लग रहा आप रो रहे हो, मैं आपको सावधान, देखिए आप आगे तारीख बढ़ा दूंगा, उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। तो आज के जीवन में ये मान के चलो फिक्स है पूरी जर्नी लाइफ की। रूपा ने क्वेश्चन किया था हम चेंज कर सकते हैं, यस यू कैन चेंज योर जर्नी बाय योर ओन विल पावर एंड बाय सरेंडर योर नेगेटिविटी। केवल अगर हम अपनी परेशानियों का ही बोझ लेके चले, वो परेशानियों के बोझ के साथ हम कितना इकट्ठा करते हैं कचरा, अनवांटेड कितना इकट्ठा करके, आप अपने आप से बात करना। वो तो अगर आप डेली स्वाध्याय कर रहे हैं सरेंडर करो। आपके बच्चे आपसे ज्यादा समझदार हैं, आपसे ज्यादा वो अपनी चिंता करते हैं, दे आर मोर कंसर्न अबाउट देयर ओन फ्यूचर, दे नॉट रिक्वायर, दे रिक्वायर योर ब्लेसिंग्स, नॉट रिक्वायर योर कंसर्न। समझ गया? आशीर्वाद दो, बच्चे खुश हो बेटा, मेरे बच्चे मैं खुश हो, अपने अपने जीवन में खुश हो, बहुत खुश हो, जो तुम चाहो उसमें संकल्प हो। अरे वो तो हो ही नहीं रहा, अरे ये तो हो ही नहीं रहा, अरे तो हो ही नहीं रहा, ये बोला था। ये क्या है? अननेसेसरी आप अपने आप को पनिश कर रहे हो। मैं नहीं कह रहा हूं अपने कंसर्न से रिलेशन निष्क्रिय हो जाओ, गिव द 100%। मेरा बच्चे की तबीयत खराब है, मेरी बेटी है 14 साल की, उसकी तबीयत खराब है, पूरा ध्यान मुझे करना, अलग अलग लोगों से बात करके कैसे उसको आराम पहुंचे, उसके साथ साथ उसमें जज्बा भी जानना होगा। मेरे को मालूम है अगर मेरा बच्चा 15 साल का बीमार है ना, तो मेरा बच्चा बीमारी के प्रति उतना चिंतित नहीं कि मेरी माता पिता हम लोग चिंतित, उसको तो मतलब ही नहीं, वो गेम खेलती रहती है। आपसे ज्यादा चिंतित वो है जो उसकी सांस चला रहा है, ये मान के चलो। पर लेकिन वो उसके जो पेपर है वो डिफिकल्ट है, तो उसको मदद नहीं करेगा। अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि क्लास टीचर जो टीचर है क्लास में जो खड़ा रहता है एग्जामिनेशन पेपर वो बता दे, तो पॉसिबल नहीं, वो वाच पूरा रख रहा है, ये मान के चलो। अरे आप स्वयं अभी मैंने आपसे क्या खिलवाया? तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो तुम्हें बंधु से समक तथा तुम्हें, तुम्हें विद्या देव, तुम्हें हो तुम्हें सर्वांग हम देव। आप ही मेरे माता है, आप ही मेरे पिता है, आप ही मेरे बंधु हो सखा, आप सब कुछ मेरे। यस, तो हमारी ऊपर वाला सब इन चीजों में आ गया कि नहीं आ गया? बस एक आपको वीडियो भेजा हुआ कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो टॉप लोगों ने रैंक करी उनके पास स्थिति निकली, कुछ अल्पायु में मर गए, कुछ थीसिस में मर गए, कुछ किस कारण था स्ट्रेस में मर गए। आपने सुना वो वीडियो? मैं डालूंगा ग्रुप में, उसमें शायद किसी ने ग्रुप में डाला था आपने, उसमें उन लोगों को वो लाजा सर्वे करा जो अपने रिलेशन लेके चले, जो संबंधों को लेके चले उनके जीवन में ज्यादा रहा है। नहीं, मेरा मानना नहीं, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, यू आर एवरीबॉडी इज टेकिंग ऑफ देयर ओन रिलेशन, लेकिन अपने संबंधों को जो आपकी अमानत है अपनी पसंद नापसंद परिस्थिति से मत जोड़ो। उससे गलत क्या उसका कर्म, डोंट बिकम ए जज, गिल्ट में भी नहीं आना। इतना तो होगा, गांधी जी ने कहा अहिंसा में, एक कोई आपको गवा रहा है तो दूसरा गाल आगे कर दो, कोई लॉजिक होगा इसके पीछे? कोई इतना बर्बर नहीं है जो आपके सामने इतना करने के बाद दूसरा वापस करेगा। एक बार उसको माफ कर दिया तो दूसरी बार माफी की जरूरत नहीं लगेगी, रियलाइज होगा, वह भी आप जैसे 5 तत्व का शरीर है। तो ओवरऑल लास्ट में सिनॉप्सिस में कहना चाहूंगा मैं आप लोगों से कि हम गुरु एलिमेंट को एक ज्ञान का समझे, ज्ञान का धारक, जैसे शिक्षक गुरु होता है, जेब कतरे वाले को जेब काटना सिखाता गुरु, बोले मेरा गुरु कौन, बोले मेरे गुरु फलाने उस्ताद, उन्होंने जेब काटना सिखाया। तो गुरु शब्द बड़ा विशाल है, और जब जब कोई अच्छा व्यक्तित्व आपसे टच में आएगा तो गुरु का काम क्या है, वो माचिस की तीली के समान है कि आपकी अंदर की जोत जला दी उसने, आप प्रकाश जलाते हो माचिस की तीली से, तो आपके माचिस की तीली कब तक इंपॉर्टेंट रहती है आपके लिए, जब तक वो दीपक जल नहीं जाता। जहां दीपक जला उसके बाद माचिस की तीली संभाल के रखते हो क्या एनीबॉडी? वह बस, तो वह काम अगर आपके जीवन का दीपक जल गया, आपको कुछ आ गया, आपको स्वाध्याय मिल गया, आपको ज्ञान मिल गया, तो उसको एंजॉय करो।
बाकी मिलना कर्तज्ञता देना तो हमारे माता पिता है, उसका गुरु को भी कर्तज्ञता दो। लेकिन अपने कार्मिक यात्राएं में आपको संबल के रूप में वो व्यक्ति आपके साथ चलेगा, और चमत्कार के रूप में मत लेना। मैं तो यहां तक कहता हूं चमत्कार के रूप में पूजा पाठ इन सबको मत लेना। ये सब साधन है, पराविद्या हो और अपराविद्या हो, ये सब साधन है मंत्र चैंटिंग। ये केवल आपको जो परिस्थिति है उसको एक्सेप्ट करने का पावर दे और आपको प्रेजेंट में रहे। सिंपल। मैं तो मेरी यात्रा में आध्यात्मिक यात्रा में मैं कभी चैलेंज नहीं करूंगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। मैं सांत्वना दे सकता हूँ, लेकिन कोई आदमी एक्सेप्ट नहीं करके बैठा मुझसे तो मैं उसको कोई टाइम में बांध दूंगा। और जब लेवल आएगा तो ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा कि यार मेरी जर्नी है। और आपको बता दूं सबके सामने, मैं जिसको मानता हूं उनको कहता हूं आई नेवर डिमांड एनीथिंग फ्रॉम द डिवाइन। कुछ नहीं मांगा। एक बार मांगा था, वो मेरा बेटा जब थायराइड, वो कोविड में चले गया था, उसको बुखार था और आके बोल दिया आरती ने, मैंने क्या अकेला रखा कहां गया कोविड में, मैंने क्या भगवान आप सबको बोला, तत्काल रिजेक्ट मिला। वो भी मैंने गलत किया। पहली चीज हमको हमारे, जैसे कल वाला सेशन भी लिया था हमने माली वाला, और पौधे जैसा रखना है बच्चों को, पूरा सुख सुविधा देनी है उनको जो भी हमसे कर सकता है। क्या लोग वो उनके लक के रूप में हो कि मैं आप पे नहीं करूंगा, लेकिन पर भी एक सपोर्ट सिस्टम आप लोग, एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में आप काम करो, बाकी गाड़ी वही चलाएगा जिंदगी की। अपनी इच्छाओं से मत बांधो छोटी मोटी इच्छाएं, ये क्या होता है अंधविश्वास फैलाती है। तो इच्छाएं पूरी हो गई फिर अगली इच्छा और नहीं करो, एक टाइम में आके वो गुरु बेकार ही हो जाता है। गुरु ने आपकी 8 बातें पूरी कर दी, 2 बातें एक बात की हुई वो गई तेल लेना, अरे गुरु जी रहने दो। ये भगवान के साथ होता है। भगवान ने शरीर दे दिया, आरोग्य शरीर दे दिया, दोनों हाथ पैर के साथ दे दिया, अच्छा घर दे दिया, एक क्षमता दे दी, सब। अब यही चीज करते कंपेयर करते कि आप अगर ऐसे घर में होते, खाते होते भगवान, तो जो है उसको जितना धन्यवाद भगवान को, जिस परिस्थिति में आज वो बच्चे देखो जिनके दोनों बच्चों के हाथ नहीं है, किसी भी लड़की के मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, वो तो चल नहीं पड़ेगा। कहीं को तो डिसेबल बच्चे होते, मेरे से ही कर रहा हूं, वो बोलते हैं कुछ नहीं बस बैठे हैं, खाना भी खा लेते हैं, दस लाइक ए डेड बॉडी जी रहे उनके साथ। आपकी जो भी समस्या उसको इंजॉय करके आप करो, दुख मत करो। ये मेरा आपसे हाथ हाथ जोड़ के निवेदन है। और मैं ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने ये कहा कि आप पूरा बार राइट है पूरा, लेकिन आप जब भी करो चमत्कार की उम्मीद मत करो। चमत्कार एक ही व्यक्ति कर सकता है जो आप स्वयं हो, और दूसरा अगर चमत्कार करता है तो दूसरा बता कहता कि ये भी करके बता, वो पिछड़ जाएगा। हमारे मेंबर में से मैं आज बता रहा हूं, मेरे हीलिंग से आंखें आ गई, अंधे देखते कितना खुश हुआ, वो लंगड़ा चलने लगा। वो वीडियो मेरे पास, वो बोलता पहली बार मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग से पहली बार इस जमीन पर चला हूं मैं, उसके परिवार इतना खुश, बोलने लगा है। आप देखा वीडियो मलेशिया की मेरी, मैं खुश नहीं हुआ उसमें, मेरे को डर था ये कि कहीं एक और अंधा पकड़ नहीं आया, लेकिन भाई गुरु जी इसकी भी आंखें ला दो। भाई मैं कोई चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने जो अच्छे काम किए उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है। वो तो उसके आंखों का समय था, एक 5 तत्व का शरीर मिलना था, जैसे वो शबरी बेर वो कौन सी पत्थर पे जो चोट लगी थी, तो वो उसका टाइम हो गया, टाइम पूरा होना कोई माध्यम बनना बस। आई नेवर इनलाइटेंड ना नेवर हाईलाइटेंड हीलिंग को, कभी देखना मैं हीलिंग कर रहा हूं नहीं करता। क्यों गुरु जी कई फोन आते हैं, बोलो आप तो उनको कैंसिल कर दिया था, जमाने भर के काम कर दे, लिटरली मेरा पेन है, मुझे सुनना पड़ता है, क्योंकि मेरे को आपने गुरु बोल दिया तो आई एम नो राइट टू से एनीथिंग। माता पिता बंधु कुछ बोल नहीं, अरे मैंने तो देखा ही नहीं, अरे मैंने तो चाट ही नहीं, अरे वो ही नहीं करा, अरे मैंने नहीं करा, क्या गुरु कितना। जीवन में केवल एक चमत्कार कर सकता है आपके जीवन में, वो आप स्वयं, आपकी जिंदगी को आप अपनी सोच से, अपने संकल्प से आप सुधार भी सकते हो,
तो बिगाड़ भी सकते हो, पर पराशित मत करना। कई लोग तो अपनी बुद्धि आश्रित कर देते हैं, मैं कुछ डर, मैं एक वापस किस्सा सुनूंगा। मेरे ऑफिस में एक आदमी आया, अभी अच्छा पढ़ा लिखा चार्टर्ड अकाउंटेंट, बोले मैंने क्या, बोले इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है। बोले तो मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, 1,00,000 रुपया। तो मैंने उसकी पॉलिसी बना के दे दी, मुझे एक करूँ। बोले ऑप्शन में बांधो आपको। बोले गुरु जी को दिखाऊंगा मैं, गुरु जी मैं लू कि नहीं लू। ये भारी पागल आदमी है, तुम्हारे गुरु जी क्या जानेंगे, उनके बगैर कोई काम ही नहीं करता। मैं मना नहीं करूँ श्रद्धा रखने को, विश्वास रखने को, लेकिन छोटी मोटी कामों के लिए तुम गुरु को तकलीफ करोगे यार। पॉलिसी वो लेसी पॉलिसी क्या जाने बेचारे, ना शादी करी ना परिवार उनका। ये चीज तो उनसे उम्मीद करेंगे, कब से शिष्य बने हो तो कुछ काम खुद भी कर लो ना। मैंने उनको आपके गुरु से पूछना ये चीज कि एक दूसरे बोल रहे थे कि यार उनको अच्छा लगता है, और तो क्या होता वो गुरु भी इस प्रकार के रहते हैं कि हमारे से बंध ही रहे तो, और मैं कभी आपको भगाते मैं आपके यहां से भगाता हूँ, मेरे पास मैं बांधता नहीं, ये करके दो तीन वो करो ना, मेरे को कोई नाटक नहीं आपसे, बस आप जैसा हम जैसे 20 से 21 से 22 में बन जाता हूँ, और हम एक ध्यान कर लेते हैं बस, वो बात करते जो मेरे को समझ में आता है वो ध्यान देना, तो मुझे ऊपर से आवाज आती मैं कर देता हूँ। एक बात ध्यान के रखो, पुनः मानो, ये रागी ने भी एक बार बड़ा सा प्रश्न किया था मुझसे कि आप तो कहते गुरु सब कुछ आपके पास, फिर ये चिंटी विंटी भी, दिस ऑल द मीडियम्स ऑल कस्टम्स जो हमें संस्कारों से चले आ रहे हैं, ये करना हमारा दायित्व है। ये इसलिए नहीं करना कि हमारी समस्या दूर हो जाएगी। कई लोग 90% पीपल्स कनेक्ट देयर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस विद देयर डिजायर्स, और उनका जब समय आता है हो जाता है तो अरे साईं वापस हो गया, जबकि उनका कोई दो योगदान नहीं, वो तो एक मूर्ति के रूप में विद्यमान है। आप लोगों ने इकट्ठे लेके प्रार्थना करके ध्यान करके उस वातावरण को चार्ज करके रखा है बस। एक जब आप पूजा में लाइन भगवान के करते हो तो 1 घंटा 1.5 घंटा सब दुख दर्द भूल के एक दर्शन करते हो, 1.5 घंटे बैठ के ध्यान करते हो, सिंपल। तो नेवर 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 कनेक्ट योर वाइब्रेशन डिजायर टू थोड़ा चमत्कार, कभी मत करो गुरु से क्या, भगवान से ही मत करो। चमत्कार होना होगा ना, तो आप अगर किसी बार में बैठे होगे तो भी चमत्कार हो जाएगा। जरूरी नहीं कि मंदिर में बैठोगे, आपके कर्मा से वो तो एक शराबी आशीर्वाद दे जाएगा तो काम हो जाएगा। वो शराबी भी नहीं, मैं बड़ी बात करता हूँ, कई लोगों तो थोड़े और बाबा मेरे एक हमारे इंदौर में ही एक जना बोले यार, बोले यार बोलो भैया ये जिसको गाली बक दे ना उसको काम हो जाता, तो वो हाथ जोड़ रहा है गाली बकर बाबा, वो भी नहीं बक रहा। मतलब हाउ मच वी आर डिसेबल्स, कितने डिसेबल है, ये मैं आपको कटु बात बोल रहा हूँ। पर भैया वो गाली बक दे तो निहाल हो जाता है इंसान। आर यू गेटिंग, आप समझ रहे मुझको। और वहां जाओ 17 दिन दीपक लगा के और फिर देखो, हो सकता है उसका काम हो गया, लेकिन बाकी 17 दिन आप बेचारा फिर नहीं होता फिर। अरे यार बहुत कुछ बोल नहीं सकते उनका। एक तो गाली बक दे तो मारते थे, वो पेड़ मारे, वो तो वीडियो देखा होगा हमने, और बोले लात मार दे वो गुरु महाराज, लात मार दे मेरे को, वो लात मारी क्यों, और धन्यवाद क्या है यार ये। अरे आर यू गेट, आप तो सुना होगा ना सब बातें, हैव यू हर्ड ना, हमारा नारायण रूपी शरीर किसी की नारायण लात स्वार्थ रूपी लात खाने के लिए तैयार है, हमारे काम हो जाए उसको सहने को तैयार नहीं, उस अभाव को लेके चलने को तैयार नहीं, सहने को तैयार बस। देखा शॉर्टकट सबसे अच्छी लाइन लगती है मुझको कि वो शिक्षक का डायलॉग था कि वो कहते हैं जैसे तेरे पे उस पे तकलीफें पड़ी उसकी ओर पूजा बढ़ी, शायद दीवार का डायलॉग था, तो जैसे तकलीफ और श्रद्धा बढ़ाओ, आपका समय पूजा में ज्यादा जाएगा तो फालतू दिमाग में आएगा नहीं चीज, ठीक है। तो जीवन में जो पास है एंजॉय करो लाइफ में, अगर किसी की तबीयत खराब है तो कम से कम वो है तो सही आपके पास, तभी तबीयत खराब है, कईयों के पास वो है ही नहीं। अगर मेरी बेटी की तबीयत खराब है मैं बेटी चिंतित हूं, पर खुश बनाओ आपको बेटी तो है, कईयों को तो बेटी नहीं, दरअसल
कई कमियों, अपनी कमियों को किसी और की समझ तो लो, और यही वाणी को विराम देता हूँ, और मैं देखता हूँ 9:10 को एनी बड़ी क्वेश्चन राइज हुआ आपके विचारों में मेरी बातों को क्रॉस करते हुए, आप बात कर सकते हैं, मैं आपको जवाब देने को तैयार हूँ। हमारा स्वभाव ही हो गया, मैं नहीं मानता कि मैं चीज हटा पाऊंगा इस जन्म तक, लोगों का तो धारणा ही है ना, जो इतनी सदियों से चली आ रही चीज, हाउ यू कैन चेंज इट। हम अभी भी पराधीन, हमारी बुद्धि आश्रित सब विचार पराधीन, ये कर देंगे हम हमेशा चमत्कार की उम्मीद रखते हैं। अगर जिस दिन अपने आप से चमत्कार की उम्मीद करने लगोगे, उस दिन से चमत्कार जीवन में रोज घटेंगे आपके। यस यस, तो एनी बडी वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन, शुड वी गो डायरेक्टली मेडिटेशन? कितने तू बता बेटा, तो मन में ख्याल आया, अच्छा रागिनी तो मेरी बच्चे की, रागिनी मेरी बिटिया फर्स्ट ठीक है। यस यू आस्क। गुरु जी, जैसे हम अपसेट होते हैं, परेशानियां बहुत जीवन में हो जाती है, और मैं ही बच्चों को कभी कभी बोलती हूँ कि ठीक है ऐसा करो, रो लो कमरे में जाके, मे बी इट विल लेट आउट बाय टीयर्स, तो उसका क्या मैकेनिज्म है? आप अगर ये कहते हैं कि बच्चे रो लो, मेरा आपसे एक ही, मेरा एक ही एक्सपेक्टेशन है आपसे, आप सबको मालूम है, कीप द स्माइल, डोंट ब्रिंग एनी टाइप ऑफ टीयर। वो पिक्चर कौन सी थी, हार्ट आई हेट टीयर, क्यों रोएगी, क्या तकलीफ है तेरे को, ये जज्बा आप भरो ना उसमें, आप अपसेट क्यों होते हो, कोई व्यक्ति से हो, कोई परिस्थिति से हो, या कोई व्यक्ति से, कोई परिस्थिति से, या कोई वस्तु से, कोई चीज का अभाव है, किस चीज का, क्यों अपसेट करते हो उसको? अरे अफसर तू भी रोल ले, क्यों रोल है, अब बढ़िया सब कुछ, क्या हो गया मम्मी, ये नहीं हुआ, क्यों क्यों क्या हो गया, ठीक हो जाएगी, मैं दावा करती हूँ, तुम भगवान बनो ना उसको, भगवान उसको गाइडेंस कर दे रहे हो, मैं आपकी बात समझा पाया तो आपको बोल रहा हूँ, आप ही अपसेट होते, क्यों होते अपसेट भैया, धीरे धीरे आप ये पथ पे सोचोगे, अपने पर विश्वास करोगे, व्हाई नॉट टेक इट अ चैलेंज। आपकी बड़ी से बड़ी समस्या है आज की तारीख में, आपके पास इतनी बड़ी समस्या नहीं है, उसके नजारे की तो लाखों गुना समस्या दुनिया में, बस ये है कि हमें उसको सहने का हमारे में रेजिस्टेंस पावर कमजोर है। क्यों अपसेट होना भाई, भाई ठीक है मान रहा हूं, मैं भी अपसेट हो जाता हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सोचता हूँ क्यों, फिर उसके बाद में चार हो जाता हूँ, क्यों हो गया भैया, क्या हो गया, तू क्या कर लेगा, तू कौन, उसकी कार्मिक यात्रा करने दे उसको, उसका सपोर्ट कर सकता है, फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट कर सकता, मोरली सपोर्ट करता, मोरली कर देता हूँ, और मेहनत को कुछ भगवान ने ऐसा दिया कि मेरे पास ऐसा रोज 10-12 फोन आ ही जाते हैं कि वो मेरा सपोर्ट में से काम करते हैं कि मुश्तक हो जाते हैं। हाँ बोल बेटा, तो आपके पास कोई आएगा बच्चा तो रोल, तू रोल ये गाइड नहीं करेंगे आप, क्यों रोल है, आप जैसी माँ होने के बाद बच्चे को ना रोल है, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई है? दो ही चीज हो जाती है, घर में कोई व्यक्ति जो प्यार करने वाला वो व्यक्ति चले जाए, उस किस्म आपको मासूम होता, परीक्षा में फेल होगी तो क्या होगा, तूने पढ़ाई नहीं करी तू फेल होगी तो उस रिस्पॉन्सिबल, अगली बार मैं तेरे साथ होगी पढ़ाई तू करना, कितनी करी सर ने पढ़ाई करी थी क्या, क्या टीचर से कोई दुश्मनी थी फेल होकर दिया, कोई बीमारी हो गई, ठीक है बीमारी है लेके चलना, जहां आपने लेके चलने की सोच थी वो माई गॉड वो चीज ऑटोमेटिक चली जाएगी। Got it? या कुछ क्वेश्चन बन रहा आपको? नहीं, got it. अभी लाइफ में बेटा कभी ऐसा नहीं करना, मेरे को फोन लगाना इमीडिएट, अरे अपसेट काहे की अपसेट, क्यों अपसेट, किस बात से, आप जैसा व्यक्ति अमेरिका में रहकर अपसेट होगा तो लानत है यार, फिर यहाँ पे झोपड़ी झुग्गी में रहने वाले क्या करेंगे? क्योंकि एज अ मदर गुरुजी, परिवार में सबका अपना अपना स्वभाव होता है, और वो कभी कभी आप बच्चों को नहीं बोलोगे, आपको लगेगा कि अरे बच्चे ने ऐसे बोल दिया या किसी ने भी बोल दिया, तो आप हर्ट होते हो और टीयर्स ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। हर्ट क्यों होते हो, बस वही तो बात है, आपने वो किसी ने गेंद मारी आपको, कीचड़ फेंका आपके ऊपर, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अरे हट जाओ ना, नहीं चाहिए मेरे चीज ही नहीं, व्हाई यू फील हर्ट एज ए मदर,
आपने बोला एज ए मदर एलिमेंट, अगर इसी ने बोल दिया दिल क्यों दुखा, आपके बच्चे ने बोला आपका बच्चे कौन है आपके ही ना, एनीवे उसको समझाइश दो कि अगली बार वो नहीं करे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, हर्ट तो क्यों होना है। आप ये मुझे कोई घटना बताओ तो मैं उसको क्लियरिफाई कर दूंगा। तो जैसे कुछ बच्चे ने बोला और मैं चुप हो जाती हूँ क्योंकि मैं डांटती नहीं हूँ, तो फिर मैं बाद में धीरे से बोलती हूँ कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए था आपको, ऐसे किसी को आप, क्योंकि वाणी एक तीर के समान है, अगर निकल गई तो वापस नहीं जाती है, मन किसी का दुखता है, और वो समझाने में, और फिर मैं बोलती हूँ कि अगर आपने मुझे बोला ना आई एम हर्ट, बट उससे ज्यादा यू आर हर्ट, कि आपने वो बोला तो आपको ज्यादा तकलीफ हुई, आप अपना कर्मा वो कर रहे हो, खराब कर रहे हो, मेरे को तो ठीक है जो भी तकलीफ हुई, लेकिन कई बार वो बच्चे उतना लेवल का समझ ही नहीं पाते हैं, और फिर आपको लगता है कि आई होप कि जी समझ गया तेरी बात। जी जी अगर बच्चे ने गलती करी अपनी माँ से, ठीक है, आप उसको उस वक्त क्यों रिलाइज कराना चाहते हो? एक वक्त जरूर आएगा वो सॉरी बोलेगा। मैं कनेक्ट करता हूं अपने आप को, व्हेन आई वाज ओनली 4 ईयर ओल्ड, मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे बोलते बोलते, तो मुझे माफ करना। 4 साल का था मैं और मेरी मम्मा ने चाय बनाई, है ना, ठीक है, मेरे को चाय दी और उन्होंने चाय दी, मैंने मेरा कप अलग लिया, और फॉर एग्जाम्पल मेरी माँ की चाय गिर गई, कप गिर गया, तो उन्हें क्या करेगा, तो उसने मेरे कप में से आधी कप ले ली, मैंने वो चाय को लात मार दी। आई वॉज 4 ईयर ओल्ड ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट 65-67। वह दर्द मेरा आज भी, उस वक्त माँ ने कुछ नहीं बोला, चल ठीक कर दिया, ये कर दिया, वह जो दर्द है वो पेन मेरा आज भी, आज मैं लिखा मेरे उसमें मेरे साथ ये घटना हुई थी, आज मैं क्या किस मुंह से बोलूंगा, क्यों, उस वक्त अबोध था, मैं जानता था, वो बुद्धि आने पर ही वो एक्सेप्ट करेगा। अभी उसको केवल उसके शौक, उसके एंजॉय से मतलब है, मदर केवल एक ATM है, मम्मी ये ले दो, मम्मी ला दो, प्यार, वो एक वक्त के बाद आते हैं। आप ये मत सोचो आप उसकी माँ हो, आप उसके भगवान हो, आज भगवान को बांधने पूछेगा, पहले आपको पूछेगा बच्चा आपका, इमीडिएट आप उसको ये मत एक्सपेक्ट करो कि इमीडिएट रिलीज करें, बस ये बोल दो बेटा इधर आओ आधे घंटे, तुमने जो बोला वो सही किया क्या, व्हाट यू थिंक, हाँ मम्मी सॉरी यार ये होगा, अरे मम्मी रहने दो, वो 100% बोल देगा, बट आफ्टर हाफ एन आवर व्हाट यू डिड इज फॉर यू इज राइट रॉन्ग, वो होगा मम्मी आपने भी ऐसा क्यों बोला, वो आपको भी कोर्ट में ले लेगा, यस आपको भी ऐसा नहीं बोला, अच्छा मैं तो तू बोले नहीं, मैं सॉरी बोलती हूँ। My God, अपने पेच अपने को सुलझाने मैडम, ये सॉल्यूशन नहीं था कि तू भी रो ले मैं भी रो लू, अपसेट क्यों होना भाई, आप गॉड हो, भगवान हो, उसके लिए भगवान अब कितना अपसेट होगा, नहीं नहीं आप बताओ, मैंने 54 साल पुराना किस्सा सुना, वो दर्द मैं आज भी रखता हूँ मन में बांध के, अरे यार मेरी माँ को कैसा लगा उस, आप समझ गया ना घटना को, इज ओके ना, गॉट इट एवरीबॉडी, होता है हर बच्चे में होता है, मम्मी को मार देते हैं। चलो एक बात, हमारी मम्मी क्या करती थी, वो है ना अपने साड़ी के पल्लू में कुछ चिल्लर बांध के रखती थी, है ना, तो वो क्या होती, वो शावर करके निकलती थी ना, तो वो साड़ी इसी की पटक देती थी, तो हम सोचते थे माँ कब निकले, वो फिर उसकी गीली गीली साड़ी के पल्लू में से हम पैसे निकाल लेते, वो चोरी आज भी करती है हमको, वाले अपनी आंखों, लेकिन वो एक मीठी थी, फिर माँ पकड़ लेती, ज्यादा पैसे होते, इधर राखड़े 80 पैसे थे इसमें कहाँ गए, पल्लू में रखे थे मैंने, माँ बोल बल जाती, फिर पता लगा एक पकड़, तो मैं वह घटना है, और आई एंजॉय इट, आई रियलाइज इट, आई एंजॉय इट, कि वो भी दिन क्या थे यार, वो माँ मतलब उसको, आप जब बच्चा बड़ा होगा तो आपके प्रति कृतज्ञता उसको बाद में आएगी, अभी नहीं आएगी, अभी उसको समझाने की मत कोशिश करो, इतना जरूर बोल दो कि क्या तुम्हारी नजर में सही है, बस फिर उसको आप चलने दो, उसका दिमाग चलेगा ऑटोमेटिकली, वो उस मोड में आ जाएगा कि एक्सेप्टेंस करेगा, इमीडिएट नहीं करेगा, आपको करना पड़ेगा, आज आपको एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा, हाँ चलो ठीक है बच्चा, अच्छा ओके,
अपसेट हर्ट क्यों ना, आपका तो खून है यार, आपका तो सब कुछ है। यस क्लियर, गॉट इट? एनीबडी हु वांट टू आस्क मोर, गो फॉर द डीप मेडिटेशन। तितिर यू वांट टू आस्क समथिंग? डॉली, कंचन जी, डॉन, नहीं? अच्छा समझ में नहीं आया, पूछना नहीं, क्वेश्चन पूछा करो। हमारी रागिनी के आने से क्वेश्चन का राउंड हो गया, अच्छा होगा। बोल बेटा। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी आपने जैसे कहा कि अपने अंदर ही स्वयं वो जादू है, वो मिरेकल है, तो अपने अंदर वो क्या होता है कि कोई और सेम चीज कहे, कोई भी मतलब एक्सटर्नल फैक्टर, हम लोग उसी पे माथा टेक देते हैं कि हम लोग उस पे भरोसा कर लेते हैं, लेकिन खुद पे भरोसा नहीं करते। तो ये खुद पे भरोसा करना बहुत बड़ा जर्नी है, तो जब भी करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे डाउट और ये आ जाता है कि मैं ये कर पाऊंगी। तो क्या होता है कि यूनिवर्स के पास हम लोग जब भी पॉजिटिव कुछ भेजना चाहते हैं, जैसे नेगेटिव कुछ आता है तो वो फिर से बैक टू वो डे, मतलब स्टेज वन हो जाता है। तो वो डाउट या वो डर, उसको कैसे हटाया जाए? मेरी चीज तो ये, आप बहुत लंबी जर्नी बोली, गलत बात है। आज से मानने चालू करो आप यू आर द होल सोल, आपके सांस चलाने वाला भगवान आपके पास है। तो कोई काम ऐसा कर रहा है जो आपके साथ तो रह रहा है, वो 24 घंटे रह रहा है, आपको तो 8 घंटे सुला रहा है वो। और जो भी आपके जीवन में होगी घटनाएं, है ना, डिसअपॉइंट वाली पॉइंट, जो भी घटनाएं हो रही है उसका आपको साक्ष्य बनकर देखना है जीवन का। आप तो बच्चे हो बेटा, छोटे कमरों में डिसअपॉइंटमेंट भी होती होगी, लेकिन आपने सी शक्ति अपने आप को देना है, अपने आंसू स्वयं को पोषना है, अपने पेड़ का काटा अपने से ही निकलेगा, कोई दूसरी जन्नत आजा नहीं निकलाएगी। कुछ काम ऐसे होते हैं कि अपन स्वयं ही करते हैं। आपके पास आपका अतीत कैद है, आपके पास आपका वर्तमान कैद है, आपके पास आपका भविष्य भी कैद है। थोड़ी साधना प्राणायाम करो, आपको आने वाला पता लग जाएगा कि परसों मैं निकलूंगा बाहर तो किस कौन कौन लोगों से मिलूंगा। नंबर वन। नंबर टू, जब डाउट आता है बेटा तुम लोगों को अपने ऊपर कि हम कैसे करें, फिर जाके नहीं, उस मतलब दैट टाइम यू सरेंडर्ड योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ एनी सिचुएशन आर इन फ्रंट ऑफ एनी पर्सन आर एनी थिंग। हम किसी चीज के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें परिस्थिति के आगे, तो फिर हम डिसअपॉइंट होंगे सब कुछ। एक बात मान के चलो, आपसे बड़ा कोई नहीं, ना वो घटना, ना वो दर्द, ना वो बीमारी, ना केवल बड़े दो हैं जो आपकी सांस चला रहा है वो, और आपके माता पिता बड़े, उससे बड़ा कोई नहीं आपकी दुनिया में। अब वो छोटी, मेरे जीवन में देखा मैंने कई, रूपाली ये छोटी बच्ची है, आपके जीवन में कई चीजें ऐसी होंगी जो आपसे बड़ी होंगी। डेली रूटीन में चाय नहीं मिली तो उठेंगे नहीं, हम चाय बड़ी हो गई, वो सिगरेट बड़ी हो गई, उन चीजों को तलाशो। ऐसी कौन सी चीजें जो हमको हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखने में मजबूर करती है? एक ऑलवेज इंकरेजमेंट वाली स्टोरीज पढ़ो, इंकरेज वाली सेल्फ एनर्जी वाली कहानियां पढ़ो, तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि ये भी हम जैसे लोग हैं। आज बड़ी बड़ी साधिया बनी, वो भी 25 साल की एज क्रॉस की हुई उन्होंने। आज हम जैसे गुरु बने, हमने 15-20 साल की उम्र जारी हो गई। आज हमने लाइफ में, हमने तो हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी, हिंदी मीडियम में पढ़ी हमने, तो हमें इंग्लिश नहीं थी, अच्छी बैकग्राउंड नहीं था हमारा हिंदी का। हिंदी मीडियम में हमने ग्रेजुएशन भी करा, हिंदी मीडियम में, हिंदी में लिखा रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र। उसके बाद हम आए, उसके बाद भगवान ने दिया, तो हम ये इंग्लिश में बात कर रहे हैं आपसे। सीखने की इच्छा थी, लगन थी, कोई नई चीज मिली मैं छोड़ता नहीं था उसकी जब तक वो सीखने लू। ऐसे ही आपको भी नहीं छोड़ना पेचा, नहीं मैं करूंगा, आप उसका अहम नहीं करना, वो धीरे धीरे आपका आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन वो शर्त ये रखना, उसको सरेंडर आपको किसी को करना है, वो आपके पेरेंट्स हो या आपके गुरु हो या आपके ईश्वर हो, जिसको मानते हो। मेरा तो मानता हूं, मैं तो कभी जिंदगी में ना चाहूंगा आप भी कभी जिंदगी में पुस्तक पूछना अपनी परेशानी लेकर। बीच में मीडिएटर में आ जाता हूँ, मेरे पास आ जाना अगर अनेबल हो हैंडल करने में, वहां तक तो पूछना ही मत, ऐसा मेरा सोचना है। अब आप कहोगे कि वो हमारे भगवान माता पिता, उनके करो फिर, लेकिन आपको इतना सक्षम बनाया है उनने। अब मेरा बेटे को मैंने पढ़ाई करवा दी, जाने को आके बोलो पापा मेरे तो काय के लिए पढ़ा लिखा, तेरे को इतना बड़ा करा मैंने यार, तुम्हें तो तकलीफ नहीं? मेरी भी तकलीफ है, मेरे भी ऑपरेशन हुआ, छोटी तकलीफ तू भी झेल ले। देवर गो इन फ्रंट ऑफ गॉड,
गो ओनली फॉर द ग्रेटिट्यूड, हे भगवान, हे भगवान तूने तकलीफ दी तो कम दी, कितनी दूसरों को दे कितनी दी, तूने बड़ा धन बंधवान हो, तेरे कृपा कृपा तेरी मेरे फूट फूट कृपा पड़ी, तूने तो मेरे को इतनी कम तकलीफ दी, लेकिन जमाने की तकलीफ दी, मेरी तकलीफ भले दूर मत कर जमाने की कर, इतना प्रैक्टिकल हो पाओगे आप? जब ये फीलिंग से आ गई आप में, जस्ट सी द चेंज, वी आर इंटेलेक्ट मेमोरी, जो बुद्धि हमारी इंटेलेक्ट ऐसी है कि केवल वो मेरा, मेरे बच्चों का, मेरा परिवार, केवल उसकी चिंता रखती है। अगर पूरा भगवान का परिवार में भी किसी परिवार का हाथ बटाओगे, किसी दूर पे चिंता करोगे, तो जीवन कुछ और होगा। गुरु क्या चाहता है? गुरु सबकी खुशहाली चाहता है, और उनकी सबकी खुशहाली में आप माध्यम बनो, अपनी परेशानी तनाव के साथ। मेरे कोई आपने बताया शायद जीवन क्या है, जीवन क्या है? अपनी परेशानियां तनाव के साथ साथ किसी और की परेशानी का चिंतन करना, ये जीवन का मकसद है। जीवन का अर्थ ये नहीं कि आत्मा की परमात्मा से मिलन, कई लोग पूछते हैं प्रश्न, आपका आत्मा से, शरीर का आत्मा से मिलन, समाधि में जाना, नहीं। हाउ मच यू आर कंसर्न अबाउट समवन एल्स अलोंग विद योर बॉडी एंड वरीज इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। अगर ये सोच के आप निकल गए ना, बस ईश्वर का काम आप करने निकल गए, तो आपका काम ईश्वर सब कुछ देगा, हिम्मत सर्विस सब कुछ आपको देगा। यस, आज ज्यादा लेक्चर हो गया, चलो टाइम बहुत ज्यादा हो गया। आज हम थोड़ा एक विशेष ध्यान करेंगे, इसको हम कहते हैं इंद्रिय ध्यान, है ना। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए आप ये कान को खींचेंगे ना, ना तो बॉडी के किसी पार्ट में आपको वाइब्रेशन आएगा, है ना। दो उंगलियों को भी करेंगे तो भी किसी ना किसी भाग पे आपको कंपन लगेगा। ये शरीर का पूरा एक एक पार्ट कनेक्टेड है ना। तो हम आज इस प्रकार का ध्यान रखते हैं, थोड़ा ओपन आईज से करेंगे ध्यान। आज मैं आप लोगों को करता हूं, जितने लोग वीडियो बंद है उनके, दे डोंट आर नॉट सपोज टू क्लोज देयर आईज। आज हम खुली आंखों से ध्यान करेंगे और मैं आपको ध्यान में लेके जाऊंगा, ओके? यस, विद द ओपन आईज वी आर गोइंग टू डू द मेडिटेशन। चलो बस इसे घूम रहे, चलो कहां चला है प्रतिभा के पास? अमेरिका चला है, जया के पास चले अमेरिका, रूपा के पास चले नैरोबी, चलो पूना चलते शिवानी के पास। ऊपर नीचे शरीर को ऊपर, दोनों हाथ ऐसे, दोनों हाथ ऊपर, फील सम फोर्स इज पुलिंग यू अप, कोई शक्ति खींच रहा है ऊपर। टुडे वी ब्रिंग द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड बोथ टुगेदर, फील सम फोर्स इज पुलिंग यू अप, कोई शक्ति ऊपर खींच रही है आपको। आंखें खोलें, खुली रखें, अपनी पलकों को 11 बार झपकाएं, जस्ट योर आईज लिड 11 टाइम स्लोली स्लोली अलोंग विद द ब्रेथ। आंखें खुली रखें, वॉच योर ओन फेस, watch your own face, हंसने का मन हो हंस लें, तो कुछ भी करने के लिए रोक के नहीं, कोई कुछ। become aware of your left palm, बाएं हाथ की हथेली पर ध्यान ले जाए, बाएं अंगूठे पर ध्यान ले जाए, move your left hand thumb, along with your awareness, एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे, होल्ड, एक और लंबी गहरी श्वास भरेंगे,
आंखें जहां जाना चाहती है जाने में, आंखें जहां जाना चाहती है जाने में, विचार जो आने आना चाहते हैं आने में, आंखें खुली। अगर कहीं आंखें जाना नहीं चाह रही तो की फोकस ऑन योर ओन स्क्रीन। Become aware of your heart chakra using your heart chest muscle. Inhale and hold and exhale using your heart chakra only. Heart chakra and chest muscle. Hold. Exhale. Do it 11 breaths. जिसको सबसे अधिक प्यार करते हैं उसका चेहरा आंखों में ले आए। फोकस विद ओपन आईज ऑन योर ओन स्क्रीन। बिकम अवेयर ऑफ योर लव फेस। जिससे सबसे अधिक प्यार करते हैं उसका चेहरा भी ले आए। निष्क्रिय है आपके शरीर को स्थिर रखें। अपनी आई लिड को चारों तरफ घुमाएं, आंखों को चारों तरफ घुमाएं। क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज दोनों तरफ। अगेन फोकस ऑन स्क्रीन। अनदर वन टू होम यू लव मोस्ट। एक और जो जिसको आप सबसे अधिक प्यार करते हैं उनका चेहरा खोल गया। खुली आंखों से हाउ मच यू कैन इमेजिन। सोचें, कल्पना करें, महसूस करें। फील योर नोस्ट्रल्स आर इन ए प्लेस ऑफ योर आईज। आपकी नासिकाएं आंखों पर हैं। आंखों से लंबी गहरी श्वास भरेंगे। Exhale by eyes. Eleven breath fast using face muscle. Inhaling from eyes, exhaling from eyes. Your screen is becoming disappear from your eyes. दोनों आंखों की जो थर्ड आईज पर बनाकर एक एंगल बनाकर स्क्रीन को देखें। Feel the all faces are mixed.
इंद्रियां स्थिर, शरीर स्थिर, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें, कीप योर आईज क्लोज, आंखें बंद करें, द हेवीनेस आंखों पर भारी पड़ता है. Feel some one hand on your head. कल्पना करें कोई हाथ आपके सर पर है. Offering the blessings to you. Giving the message to keep courage, patience and faith. एक हाथ सर पर है जो आपको आशीर्वाद दे रहा है हर पल हर श्वास के साथ. Om Om me Om Om hai Om Om me Om Om hai shwas shwas me bol Shiva bol Shiva bol Om Om me Om Om hai
है, श्वास श्वास में बोल, शिव बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, शिव बोल, शिव बोल, रोम रोम में ओम ओम है, श्वास श्वास में बोल, शिव बोल, शिव बोल, शिव 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 बोल, शिव बोल, शिव बोल, शिव बोल, शिव बोल, शिव बोल, हरि बोल, शिव बोल, हरि बोल, शिव 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 बोल, शिव बोल, हरि बोल, ओम रोम में ओम ओम है, श्वास श्वास में बोल, शिव बोल, शिव बोल। माँ मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में ना मैं जप में ना मैं तप में ना व्रत उपास में मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरी श्वास में, मैं तो हूँ तेरे पास, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। Become aware of your own name. Become aware of your own body. Along with a smile, you can open your eyes.
मुस्कान के साथ अपनी आंखें को फील द ग्लास कवर बाय योर राइट हैंड ड्रिंक वॉटर पानी का सेवन कर How was today? Open eye meditation, you enjoy it? Are you able to stable your vision? It's very good for your इसे कहते हैं ना रोशनी के लिए आंखों की रोशनी के लिए बड़ा अच्छा है इसको हम इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं नाम इसका एक मोमबत्ती पे लगाकर अपनी निगाहों का ध्यान रखना कोई भी ऑब्जेक्ट रख लो त्राटक त्राटक वी से त्राटक ना त्राटक तो अंदर यू मेक ए ऑब्जेक्ट ऑफ योर ओन फेस आसपास का एक बार आपकी स्टिमुल हो जाएगी आज एंड व्हेन यू बिकम सेंटर ऑन थर्ड आईज तो उसके बाद आपको पूरी स्क्रीन मिक्स हो जाएगी यू विल बी ट्रिस्पर ये हम बचपन में करते थे खेल के दोनों आंखें ऐसा करके देखोगे तो वो एक विजन बनने से होता है रियली 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 आप में ईश्वर है हो सकता है आपको नहीं दिखते लेकिन किसी और को आप में ईश्वर दिखते हैं वो आपके बच्चे हो बच्चों को भगवान से कोई मतलब नहीं चार साल का बच्चा मां 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 करते हुआ आएगा उसके तो भगवान आप हो हमेशा उसके भगवान मत देने दो उसको भी किसी और का भगवान बनने दो और भ से मैं मानता हूं भ से भूमि ग से गगन व से वायु अग्नि न से नील कि पांच तत्व का शरीर आप कर दिया जिसे हम भगवान कहते हैं और आज हम वो भगवान सबको दूर भागते हैं और मैं भगवान हूं नहीं मैंने नहीं किया जो किया उसने किया मैं तो माध्यम हूं डोंट कीप ऑन योरसेल्फ आई एम मीडियम बस कीप इन द ग्रेटिट्यूड मोड एक्सेप्टेंस ग्रेटिट्यूड लिव इन प्रेजेंट द थ्री कीज जो है पूरे हिंदुस्तान के आध्यात्मिक संत सिखा रहे लोग और हम ये चीज ही सीख नहीं पा रहे इस चीज के लिए वो जाना दिखा एनीवे हम नेगेटिव में जाएंगे अभी अच्छा मूड है हमारा तो अभी आपने देखा और वाकई आप सोचो होगा वो आपके सुरक्षा के लिए अगर आपके हाथ पर कोई मच्छर बैठेगा या कोई वो आएगा प्लीज गो मारोगे या नहीं अपनी सुरक्षा करना आएगा मार डालोगे अपने ऊपर कोई तकलीफ है भगवान 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 अरे नहीं यार भगवान ने सब कुछ टिके भेजा भाई भगवान मैंने आपको पंचामृत से स्नान कराया मेरा पूरा दावा है कि 50% लोगों ने सोचा होगा ये कुछ करा रहे तो हमारे काम हो जाएंगे सच्ची बोल रहा हूँ मेरे को वाइब्रेशन आए इतने भाव से करा रहे मेरे काम वो जरूरी है वो उसको स्वार्थ से जोड़ना जरूरी है उपाय से मैंने तो आपको पूरा पंच तत्व को बताया कि पंचामृत से स्नान करा मैंने क्या करा आपके पांच तत्व से वो पांच तत्व से आपको स्नान करवा दिया मेरे मेरे तो ईश्वर आप लोग बोलो आप जज्बा पैदा करो आप में कॉन्फिडेंस कूद कूद के बोलो छोटी बात पे बेटा अपसेट नहीं होना ना कोई ग्रंथ ना कोई ज्ञान मानता हूं ज्ञान का अधिकार है मंत्र चिंतित से आपका मन शुद्ध होगा सब कुछ होता है अभी रागनी की बात वापस याद आ गई गुरुजी फिर आप कह रहे हो तो भगवान की बोले पानी से नहाओ मत फिर मतलब दिस आर लॉट ऑफ थिंग एक चीज कितनी बार क्रिएट करती है मेरी मदर का इंसिडेंट याद है मुझे चार साल का आज बेटा रागिनी आज नहीं मान रही बच्ची लेकिन बच्ची तेरी बड़ी होगी तो रियलाइज होकर यार मेरी मम्मी को डांट देता था मैं माय गॉड आई मैं कभी ऐसी बात कर रही थी मेरी मम्मी चुप रहती मुश्किल होती थी अगर आप भी डांट के बोल दोगे तो वो याद नहीं रखेगी इंसिडेंट बोलेगी यार मेरी मम्मी चिल्ला लेती अगर आप तो याद रखा मेरी माँ ने कुछ नहीं किया
अगर दोस्त टिका देती तो याद नहीं रखता इस इंसिडेंट को. यस नो, वो माँ का दर्द उस वक्त क्या, माय गॉड कितनी माँ, मतलब ईश्वर ने इसीलिए माँ को बड़ा रखा अपने. माँ का दर्द तो कभी जिंदगी में माँ सुखी नहीं हो सकती. ये जिसे कहते ना माँ का दर्द ऐसा, बच्चा बड़ा हो जाए 70 साल का हो जाए 60 साल का, तो बोले ले चंदू ने खानो खाया कि नहीं, वो आलू खानो मेरा. मदर के नॉट बी सेटिस्फाइड. चलो आज बहुत समय ले लिया हमने आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस. आज के दिन में खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, कोई विपत्ति तो आए नहीं, और आए तो इतना जज्बा उसमें हो कि अपन खुद लड़के उसको दूर करें. और इसीलिए आपका मैं चौकीदार साहब के साथ हूँ, जब चाहे जब मेरा कॉल कर दो, भगवान के पास ले जाना. माफ करना ऐसा नहीं, अहम नहीं डाल रहा हूँ, भगवान के पास क्यों जाए आप, जब जाएगी जब वो लगेगा नहीं यार लड़ाई लड़ लेता हूँ. अब आप एक बात कल्पना करो, 2 मिनट और देना, आपका बच्चा सब जॉब कर रहा है, कर रहा सब कुछ है ना, वो बोले मम्मी 28 साल की उम्र मेरा बेटा ही रात को फोन लगा, मम्मी मेरा पेट दुख रहा है. पेट दुख, मैं क्या करूं बेटा, गूगल कर दवाई ढूंढ, दवाई लेके लिया, मैं क्या करूंगा इसमें, और पेट दुख रहा तेरा, रुक रुक रुक, मैं डॉक्टर से बात, डॉक्टर से फैमिली डॉक्टर बात की, वो मेरे बेटे का पेट दुख रहा है. हाय गॉड व्हाट यू आर डूइंग. आजकल तो सबसे बड़ा भगवान गूगल हो गया, क्या डाल, हेडेक इन द हेड, वो टेबलेट ढूंढ ले, वो टेबलेट लेके उसका साइड इफेक्ट देख ले, साइड इफेक्ट क्या है, ले ले गोली खरीद ले. यही काम मैंने किया था, मैंने मैं क्या करूंगा, भाई कॉल डॉक्टर आरती, और सो 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 मैं बैठा हुआ था पढ़ रहा, और वो बीटू को बीटू को लिया वो जरूर ना, ओ ओ मम्मी इसी हो गई माँ, क्या करूँ मैं, क्या है, क्या हो गया पेट, मैं क्या करूँ पेट हो गया, क्या खाया था तूने, बाहर की चीज खाई थी ना, गूगल कर दवाई ढूंढ, अगर मैं फिर भी डॉक्टर से बात करके दवाई. दो दो तरीके थे मेरे पास, एक 99% वही करते हैं हम, डिस्टर्ब हो जाता है वो पेट दुख रहा छोड़ेगा, एक भावना अटैचमेंट उसको ताकत दो, ये काम कर गूगल का, पेट दुख रहा क्या हुआ, चैटिंग कर लेता हम दवाई ढूंढ खुल ले क्या. एक बार आपने ऐसा सिखा दिया कभी जिंदगी पलट के फोन नहीं आएगा. क्यों आता है कि हम उसको पेम्परिंग करते हैं, मम्मी काफी नहीं, अरे वो तो बोले तुमको क्या लगता है, मैं तो माऊ आरती हमारा झगड़ा हो जाता, पर मेरे को मानना पड़ती बात, पर भी आरती मेरे से कन्वेंस हो जाती है, बात में समझ में आता है शुरू में, तो हर व्यक्ति भी होती है. ठीक है, तो आपको हमको हमारे बच्चों को मजबूत बनाना है, हमारे इच्छा से नहीं चलाना है, उनको आशीर्वाद जी भर के देना है, हमारे बच्चे हमसे ज्यादा समझदार है मान के चलना है. खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे, प्रसन्न रहे. टेक केयर ऑफ योर स्माइल, सरेंडर योर ऑल बॉडी टू मी, आई एम रेडी टू टेक इट. बस आपकी मुस्कान चाहिए. नमस्कार.